हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 जनवरी 2019 वार रविवार की हम बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा NMIC इन मुंबई। The development of the museum was guided by the Museum Advisory Committee headed by Shyam Benegal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC का उद्घाटन किया। संग्रहालय के विकास को श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD टू एड्रेस द इशू ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन विच विल हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। इट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन October 2019। भारत भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दे पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र को आयोजित करेगा, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। इसके अक्टूबर 2019 में आयोजित होने की संभावना है। नेक्स्ट, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब लॉन्चेड ए प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट स्टेट फॉरेस्ट अकेडमी ग्राउंड इन वेस्ट त्रिपुरा एंड स्टेट दैट द प्रोजेक्ट वुड हेल्प डेवलप द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एंड लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स सर इन द स्टेट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने पश्चिम त्रिपुरा में राज्य वन अकादमी ग्राउंड में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना शुरू की और कहा कि इस परियोजना से राज्य में वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, नासिक इन महाराष्ट्र will be the site of the country's second defense innovation hub after Coimbatore in Tamil Nadu. Maharashtra mein Tamil Nadu ke Coimbatore ke baad desh ka dusra raksha navachar kendra sthapit hoga. Next, Saksham, an annual high intensity 1 month long pupil centric mega campaign of Petroleum Conservation Research Association PCRA was launched by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. पेट्रोलियम संरक्षण और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA के एक वार्षिक उच्च तीव्रता वाला एक महीने लंबे लोक केंद्रित मेगा अभियान सक्षम का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद उज्बेकिस्तान फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम और कंसनट्रेट्स टू विडन इट्स सोर्स बेस फॉर द न्यूक्लियर फ्यूल। भारत ने यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ परमाणु ईंधन के लिए अपने स्रोत आधार को व्यापक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हैज लॉन्च्ड टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप स्टार एलिज मिनी सैटेलाइट एम टू डिलीवर द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल मेटियोर शॉवर। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का वर्षा करने के उद्देश्य से टोक्यो आधारित स्टार्टअप स्टार एलिज के मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट बिजनेस और बैंकिंग न्यूज, व्यापार और बैंकिंग समाचार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल एंड लिबियो लिबकॉइन आर इन डायलॉग टू फॉर्म ए वर्ल्ड क्लास कॉन्सोर्टियम टू इनिशियली बिल्ड 1 GW लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन इंडिया। इट्स कैपेसिटी विल बी स्केल्ड अप टू 30 GW इन ड्यू कोर्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और लिबकॉइन भारत में 1 GW लिथियम आयन बैटरी प्लांट बनाने के लिए एक विश्व स्तरीय कंसोर्टियम बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसकी क्षमता को नियत समय में 30 GW तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस हैज चेंज्ड इट्स नेम टू HDFC लाइफ इंश्योरेंस फॉलोइंग द रिसीप्ट ऑफ रिलेवेंट अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने नियामक अधिकारियों से प्रासंगिक अनुमोदन की प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सीनियर IPS ऑफिसर प्रभात सिंह ए डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रभात सिंह को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक जांच नियुक्त किया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ टूरिज निधन। मेरी ओलिवर द पुलिट्ज़र प्राइज विनिंग पोएट पास्ट अवे। शी वाज 83 ईयर्स ओल्ड। द कॉज ऑफ डेथ वाज लिम्फोमा। पुलिट्ज़र पुरस्कार विजेता कवि मेरी ओलिवर का निधन हो गया है। वे 83 वर्ष की थी। मृत्यु का कारण लिम्फोमा था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।